ये देखो पूरा नदी के अंदर मलबा भर दिया भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है भाई आपके? तो अभी घर से निकल चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून के लिए, और रास्ते में ऑन द वे सोनाली का कॉलेज है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं कॉलेज में, तो वो डॉक्यूमेंट देते हुए निकल जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं फिर देहरादून। आज काफी दिनों के बाद देहरादून जा रहा हूँ। दिनों क्या मतलब, मुझे लग रहा है 1-1.5 साल हो गया होगा, 1-1.5 साल के बाद आज देहरादून जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा मौसम हो रहा होगा देहरादून का। यहाँ तो काफी गर्मी है आज हमारे यहाँ पे, कल मौसम ठीक था लेकिन आज काफी गर्मी है। अब चल के देखते हैं देहरादून के क्या हाल चाल है। देहरादून फेमस है अपने मौसम के लिए, वहाँ पे जब भी थोड़ी सी ज्यादा गर्मी होती है ना तो तभी बारिश हो जाती है, तो ये चीज बड़ी मतलब मस्त है देहरादून में। और ऐसा होता है थोड़ी दूर पे बारिश, थोड़ी दूर पे सूखा, थोड़ी दूर पे बारिश, अभी चले थोड़ी दूर बारिश हो रही है, थोड़ी दूर रुके फिर रुक गई, तो इस तरीके का कुछ मौसम रहता है देहरादून का। ये हाईवे बनने से भाई बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं तो पहले ये सिंगल रोड था, और सिंगल रोड पे तो पता ही है आपको इतना ट्रैफिक होता था, बस पूछो मत, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ, ट्रैफिक बहुत है। और कॉलेज टाइम में मेरा कॉलेज भी इधर ही था, इसी रोड से कॉलेज आते जाते थे, तब तो छोटा सिंगल रोड ही था। या भाई कॉलेज का रास्ता देख लो, ऐसे खेतों में से जाके ये पतला सा रास्ता जा रहा है, और खेतों के बीच में बना हुआ है कॉलेज। ये मोड़ दी हमने अपनी गाड़ी, रास्ता देख लो कितना हरा भरा रास्ता है। एक साइड में ये धान लगाए हुए हैं और इधर चरी लगी हुई है गन्ने, खेतों के बीच में वो है कॉलेज, वहां पे आपको दिख रहा होगा शायद। चलो कॉलेज तक जाने का रास्ता देख लो भाई, कितना खराब हो रखा है। अगर मैंने गाड़ी निकाली होती ना इसमें तो फंस गई होती, मैं गाड़ी यहीं खड़ी करके चला गया था, अब बैक करके मुझे इतनी पीछे ले जानी पड़ेगी गाड़ी, और पीछे भी कीचड़ हो रखा है, देखते हैं। तो निकल के भाई कॉलेज का काम निपटा करके मेरा कॉलेज आने वाला है भाई, जहाँ से मैंने अपनी MBA करी थी, और बड़े मजे किए भाई, कॉलेज टाइम अलग ही होता है भाई, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जो कैंपस ना, अभी और क्लियर दिखेगा, ये मेरा कॉलेज है, और ये पीछे इधर की साइड इसका हॉस्टल हुआ करता था, क्वांटम यूनिवर्सिटी। पहले तो यूनिवर्सिटी नहीं थी, अभी ये यूनिवर्सिटी बन गया हमारे टाइम में, क्योंकि हम तो इस कॉलेज के इनिशियल बैचेस में से हैं, सेकंड बैच था हमारा, अब तो ये यूनिवर्सिटी बन गया भाई। ये देख लो मौसम, देख लो भाई सामने का क्या मस्त हो रहा है, पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, ये देखो दिख रहे होंगे आपको पहाड़, तो बहुत ही एकदम साफ साफ मौसम हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है धुला धुला मौसम, काफी कम देखने को मिलता है ऐसा धुला धुला सा मौसम। ये चल रहा है भाई काम, देखो ये रोड तैयार हो रहा है मेन रोड के साइड से, ये पूरा पहाड़ इन्होंने काट के ये रोड बनाया जा रहा है, एलिवेटेड काम पूरी जोर शोर से चालू है इसमें, जब बन जाएगा तो देखते हैं कैसा रहेगा, लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा, 2-3 साल शायद इसमें लगेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी काम खींचा है भाई। ये देखो पूरा ये अल्टरनेट, एक कच्चा रोड मतलब तैयार तो कर ही दिया है लगभग, कच्चा कच्चा पूरा पहाड़ वहाड़ काट के खोल दिया इन्होंने। ओके भाई पहाड़, अब यहाँ से पूरा 15-20 किलोमीटर के पहाड़ है, मजा आता है यहाँ गाड़ी चला के। और एक और खास चीज है इस पहाड़ की कि दुनिया का कोई भी मोबाइल नेटवर्क यहाँ नहीं चलता, लेह लद्दाख में आपको नेटवर्क मिल जाएंगे लेकिन इस पहाड़ में कोई नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या रीजन है, ये 15-16 किलोमीटर का पहाड़ है और यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं आता कोई भी। ये देख लो ये नदी है नीचे, सूखी पड़ी है लेकिन फिलहाल तो बारिश में ही आता है यहाँ पानी। तो भाई अभी ये पहाड़ एंजॉय करो आप, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, बाइक चलाने का तो अलग ही मजा है भाई, टर्न पे क्या बाइक टर्न होती है ना, मजा आ जाता है ये ऐसे वाले टर्न पे, और ये थोड़े खतरनाक टर्न भी होते हैं, बड़ा ध्यान से इन पे मोड़ना पड़ता है। हिल्स में ड्राइव करने का अपना एक रूल होता है, अगर रूल के हिसाब से चलो, हिल्स में थोड़ा सा ना सावधानी पूर्वक चलना होता है, अगर अपना ध्यान रख के अपनी साइड में चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई इधर नदी है, और नदी के अंदर जो फ्लाईओवर बनेंगे उसका काम चल रहा है पिलर्स का, और पूरी नदी के अंदर मलबा भर दिया यार, और नेचर को पूरा नाश कर दिया। ये देखो ये दिख रहा होगा आपको, पिलर का काम चल रहा है, ये नदी है, वैसे तो पानी नहीं रहता पर फिर भी बरसात में मतलब साला बड़ा दुख होता है यार, देख के पूरा नेचर का नाश कर दिया, इतने ग्रीनरी इतना हरा भरा था, ये देख लो ये सब लगी हुई है नीचे, यहाँ क्रेन ये रास्ते में लगा रखे हैं सब बैरिकेडिंग वगैरह,
डेवलपमेंट के नाम पे भाई नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये देख के तो बोलो भाई कितनी तेजी से काम चल रहा है। मैं तो बहुत दिन बाद आ रहा हूँ इसलिए मुझे देखा नहीं था, मैंने पहली बार देख रहा हूँ इस काम को, लेकिन भाई बहुत तेजी से काम चल रहा है, रोड बन रही है, अच्छी बात है। पर थोड़ा सा इतने जो पेड़ काटे हैं उनके उतने पेड़ कहीं और लगाने भी चाहिए ना, तभी फायदा है। ये देखो भाई ये काम चल रहा है, क्रेन लगी पड़ी है, ये नदी है देखो, पानी भी आपको बहता दिख रहा होगा, बरसात में चलती है ये नदी। ये पूरी नदी का एरिया था और इतना इसके अंदर पूरा पिलर विलर का काम चल रहा है, बहुत तेजी से देखो पूरे नदी के अंदर मलबा भर दिया भाई। कितनी बढ़िया जगह थी, ग्रीनरी वाली है देखो, अब ये बीच में यहाँ से फ्लाई ओवर बन जाएगा पूरा, पता नहीं जब बन जाएगा देखते हैं कैसा बनेगा, पर फिलहाल तो इतने पेड़ वेड़ काट दिए इसके चक्कर में और नेचर का इतना लॉस हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि कितनी भी बड़ी रोड बना लो लेकिन कमी पड़ जाती है। ये देख लो भाई ये पूरा का पूरा जो एलिवेटेड जो बनेगा वो पूरा का पूरा नदी के अंदर से आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग नीचे से पहाड़ के नदी स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक नदी के अंदर अंदर सारे पिलर बनाए जा रहे हैं, पूरी नदी जो है इन्होंने मलबे से भर दी है। और क्या बताऊं यार, पता नहीं अच्छा है या बुरा है, पर जो भी है मतलब नेचर का तो सत्यानाश हो रहा है। ये देख लो भाई क्या हाल किया है इन्होंने पहाड़ों का, पूरे पहाड़ काट दिए भाई, ये पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे पूरे पहाड़ काट के खत्म कर दिए यार। अब जब बरसात होगी भूकंप आएंगे तो लैंडस्लाइड नहीं होगी तो क्या होगा भाई साहब, मतलब देख के इतना अजीब लग रहा है यार, कैसा था या कैसा कर दिया इन लोगों ने, नेचर की तो माँ बहन ही कर दी बिल्कुल भाई। ये देखो भाई पूरे पहाड़ थे सब काट के खत्म कर दिए, अब इनको यहाँ नई टनल भी बनानी पड़ेगी, एक टनल तो ये बनी थी अभी एक दो साल पहले, 3 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, अब इस फ्लाईओवर को लिए इसके लिए इनको एक और टनल बनानी पड़ेगी ऊपर से, इसके लिए इन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया है भाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे कोई जरूरत थी नहीं ये नया रोड बनाने की, पुराना जो चल रहा था ठीक था, कोई जरूरत थी नहीं यार यहाँ पे इस रास्ते पे ना ये इतना ज्यादा तामझाम करने की, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की, ये मुझे शो पीस टाइप का थोड़ा ज्यादा लग रहा है और नीड इसकी कम लग रही है, लेकिन इसके चक्कर में नेचर का जो सत्यानाश हुआ है ना भाई मैं बता नहीं सकता। यही रीजन है कि पहाड़ों में या स्पेशली उत्तराखंड के पहाड़ों में हर साल बरसात में इतने लैंडस्लाइड होते हैं या पहाड़ गिरते हैं, भाई पहाड़ों को खोखला कर दोगे तो गिरेंगे ही ना यार, उनका बेस ही आप लोगों ने खत्म कर दिया। अब आप इस तरीके से पहाड़ों को काट के और यहाँ अगर दीवार लगा दोगे तो भाई नेचर के आगे किसकी चली है, अगर ये पहाड़ खिसकेंगे तो कौन सी दीवार इनको रोक पाएगी। तो भाई पहुंच चुके हैं देहरादून के अंदर, तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो काम अपना हो गया है, अब निकल रहे हैं वापस थोड़ी देर में, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भाई वो जो मैंने आपको दिखाया कि पहाड़ों में कैसे अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।